ये राशन मेरा है जाति, मेरी हलाल की पैसे का। मैंने 10 टन दाल लिया था कंपनी से व्हाइट पैसा देके, कई हजारों टन चावल तेल लिया हूँ व्हाइट पैसा देके, और उसके लिए मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचना पड़ी। मैं अपने शहर के लिए झगड़ा करके लाऊं, जरूरत पड़े तो शासन से लाऊं, वो लाने की बात वो मेरे में काबिलियत है, मैं लाऊंगा। आपको ही क्यों इतना टन मिला जो है राशन, उन लोगों को क्यों नहीं? बेवकूफ है, ये महाराष्ट्र शासन और कलेक्टर का दिया माल है, एक पेंसिल भी देते हो लिखत में लेते हो लोग, और उनको सारा डाटा देना मत। मेरे पर जब तक अल्लाह ने तंदुरुस्ती ताकत दी है जिस्म में, तब तक आवाम की खिदमत करने के रहूंगा। अगर मेरे में ताकत नहीं रही, मेरी स्पीड कम हो गई, मैं खुद राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दिखाइए आप कहाँ पे आपका राशन है, ये तो दिख रहा है लेकिन और कहाँ कहाँ है? ये वो अनाज है जो मेरा है, और कम्युनिटी किचन का अनाज भी दिखाता हूँ, मैं कहाँ से बांट रहा हूँ, कहाँ तक दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, वो भी मेरी इच्छा है। अगर ये बात खुली है, इसकी CID इंक्वायरी भी हो जाएगी। क्लास में एग्जाम तो सब बच्चे देते हैं, लेकिन फर्स्ट को ये किया। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आज पूरे मुमरा में जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक नगर सेवक ने जो है हजारों टन जो है राशन, जो गरीबों का मजदूरों का जो है राशन, वो जो है एक नगर सेवक ने जो है लेकर चले आए हैं, चुरा कर लेकर चले आए, इस तरह से लगातार खबरें चल रही हैं, इस तरह से सोशल मीडिया पर जो है लोग आरोप लगा रहे हैं। और आज मैं उसी मामले को लेकर उस नगर सेवक के पास हूँ, और उनसे हम जानेंगे कि वो हजारों टन जो राशन जो है हजारों टन वो कहाँ है, क्यों लाए उन्होंने चुरा कर जो है राशन, हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नगर सेवक सानू पठान बैठे हुए हैं, हम उनसे जानेंगे। सानू भाई, हजारों टन जो आपने राशन जो गरीब मजदूरों का वो कहाँ है, आपने चुरा कर लाया है? देखिए, पहली बात तो मुझे ये मालूम ही नहीं पड़ा, लेकिन आप ही ने बोला और सोशल मीडिया का, मैंने अभी इस बात का कभी गौर नहीं किया कि हजारों टन माल आया चुरा के लाया है लाया। आपने बोला और दो तीन अभी मैं सुन रहा हूँ, इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं। आप सुन रहे हैं अभी, लेकिन पूरे मुमरा में जो है आपके नाम से जो है चर्चा है कि एक नगर सेवक कई नगर सेवकों का जो है वो जो राशन है उनके वार्डों का जो उन गरीबों तक पहुंचना था वो आप ही ने चुरा कर लाया है। सच्चाई ऐसी है फिरोज भाई, मैं आपको बताता हूँ इस पूरी कहानी की सच्चाई बताता हूँ। लॉकडाउन 23 तारीख से चालू हुआ, उस पहली 23 तारीख से हम कुछ संस्थाओं ने और उसमें मैंने भी लोगों को कम्युनिटी किचन के जरिए खाना पहुंचाना चालू किया। इसी जगह पे मेरा खाना बनता था, पहले दिन 1000 पैकेट खाना बनता जो मैं लोगों तक पहुंचाता था। उसके बाद 10,000 किट मैंने मुमरा कौसा के अंदर दिया। 10,000 किट मैंने जब दिया, अचानक में ये सारी लॉकडाउन बढ़ा और महामारी और लोगों के पास पैसा खत्म हो गया। एक गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब इस बात में फिक्रमंद हुए, उन्होंने 50,000 लोगों को रोज को खाना चालू किया और 16 जगह कम्युनिटी किचन बनाया। वो 16 जगह पे कम्युनिटी किचन चालू हुआ, जिसमें 2 मेरे वार्ड में भी चालू हुआ, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई। लेकिन ये जो राशन जो है मतलब जो लाया है आपने, वो मतलब क्या मतलब दिखाकर प्रशासन को किस तरह से दिखाया है आपने कि आपको हजारों टन राशन दिया है, आपको क्या दिखा के लाया है? आपने तो जो है अपने संस्था पर लाया है। नहीं नहीं, आप समझिए, आमदार मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने जब ये 2 तारीख से 1 तारीख से खाना शुरू किया कम्युनिटी किचन, तो 14 तारीख तक उन्होंने पूरे शहर में कम्युनिटी किचन के जरिए खाना चालू किया। उसके बाद बंद हो गया, उसके बाद बंद नहीं हुआ, यही बात आप समझिए, उसकी जगह कई किचन बनवे, जिसमें से 8 किचन 9 किचन चलने लगे। और गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने कलेक्टर के जरिए, प्रशासन के जरिए ये डिमांड की कि ये सारे कम्युनिटी किचन को वो माल देना चाहिए, और कलेक्टर ने सारे कम्युनिटी किचन के ऊपर दाल चावल और तेल का डब्बा भेजा है, और उसके जरिए कलेक्टर के पास से माल आता है, एंट्री होती है कि हर कम में नहीं, शाहलाम राजू बाय जितने भी बहुत से मुमरा कौसा के कई नगर सेवक और कई समाज संस्थाएं, संघर्ष, सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट, मुमरा जामा मस्जिद, ऐसे बहुत से जितने भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मांग किए थे, उसमें से उन्होंने 8 से 10 लोगों को दाल चावल
और नाम मात्रा तेल, जिसमें भी हजारों लाखों रुपए खुद का लगाना पड़ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो है किचन चालू ही था, हम अपने जेब से लगा रहे थे, लेकिन आपको ही क्यों इतना टन मिला जो है राशन, उन लोगों को क्यों नहीं मिला? ऐसा नहीं है, जो लोग बोल रहे हो वो बेवकूफ है। ये महाराष्ट्र शासन और कलेक्टर का दिया माल है, एक पेंसिल भी देते हो लिखत में लेते हो लोग, और उनको सारा डाटा देना पड़ता है, एक एक चीज का डाटा, मोबाइल नंबर के साथ किसको कितना पैकेट रोज खाना जाता है, वो सब डाटा उनको दिया जाता है। वो भी मैं आपको बता दूं, एक महीने बाद शासन और प्रशासन की आंख एक महीने बाद खुलती है, मतलब 23 तारीख को लॉकडाउन होता है और शासन माल दूसरे महीने की 21 तारीख को देता है। इस एक महीने में हमने और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड सबके साथ मिलकर कम्युनिकेशन चलाया, और मैंने अपनी जाती हलाल पैसे से, अपने जाती हलाल पैसे से शहर के जरूरतमंद लोगों को 10,000 किट बांटा। लोग तो ये भी आरोप लगा रहे थे जिस वक्त जो है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जो गृह मंत्री जो है वो है, उन्होंने जो किचन चालू किया था जगह जगह पर, लोगों ने इस तरह से आरोप लगाया कि उन्होंने जो राशन जो गरीबों का था वो रोक कर वो किचन चालू किया गया था। नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र में कई जगहों पे लोग मजदूर रोड पे आ गए थे और कम्युनिटी किचन को डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट बोल रही थी कि आप संस्थाएं आगे आओ कि कौन खाना बना के लोगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि राशन के बाद भी मसाला प्याज कालू बटाटा लाखों रुपए बनाने वाला ले रहा है, पैकिंग की थैलियाँ, ये सब खरीदने के लिए कई लोग पीछे हट गए। ऐसी कई 8-10 संस्थाएं आज भी है जो गवर्नमेंट का 21 तारीख के बाद राशन आता है उसमें वो उसके ज़रिए कम्युनिटी किचन चलाते हैं, जिसमें मेरी भी एक दो संस्था है जो कम्युनिटी किचन चलाती है, लेकिन नाम मात्रा आता है। अगर उसमें चावल ज़्यादा आया तो तेल नहीं आएगा, तेल आई तो दाल नहीं मिलेगा, दाल आई तो नमक नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें हमको खुद लाना पड़ती है क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो नगर सेवक सानू भाई जो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने हजारों टन जो है राशन लाया है, चुरा कर लाया है, कई पेपर में लोकमत में भी आया है आपका जो, उसमें अभी पेपर में आया है जो है, तो अब उसी आधार पर हम आपसे पूछ रहे हैं जो है कि जो नगर सेवकों को राशन मिलना था वो आपने लेकर आ गए हैं, ऐसे आरोप भी हैं, और उसके बाद जो है जो किचन का जो है आप बता रहे हैं, वो किचन तो आपका बंद चल रहा है हर जगह पर, नहीं किचन कहाँ खुला है? हाँ दिखाइए, ये तारीख क्या है? 24 तारीख से डेट वाइज ऐसी ये सारे जितने भी डाटा है ना, ये गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है। आज भी किचन चालू है, और मेरा नहीं, सभी जगहों पे, ज्यादातर जगहों पे किचन चालू है। सभी जगहों पर आप बता रहे किचन चालू है, तो उनको क्यों नहीं मिल रहा, आप ही को क्यों मिला? आप मालूमात लिखा लेंगे तो मालूम पड़ेगा। कई लोगों ने मुझे फोन किया कि हमको नहीं मिला, इसी बात को लेकर जो है वहाँ पर महानगर पालिका में जो है वहाँ पर जो है झगड़े भी हो रहे थे, आप ऐसा आप पर आरोप लगा कि आप झगड़े करके लेकर आए। नहीं नहीं, देखिए मैं अपने शहर के लिए झगड़ा करके लाऊं, जरूरत पड़े तो शासन से लाऊं, वो लाने की बात वो मेरे में काबिलियत है, मैं लाऊंगा, लेकिन मुझे अकेले नहीं, अवार्ड साहब ने जितनी संस्था का नाम दिए थे, शासन ने जितनी संस्थाओं से मांगनी की थी, उसमें से 70% संस्थाओं को कम्युनिटी किचन चलाने के लिए राशन दिए, और मंडल अधिकारी रोज बैठते हैं वहाँ पे, खुद आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। उमरा में कितने संस्थाएं हैं अभी तक? मैं एक 12 संस्थाओं, तो उनको क्यों नहीं मिला, सिर्फ आप ही को क्यों मिला? नहीं है, 9 से 12 संस्थाओं को आज भी माल रोज जा रहा है, शासन की तरफ से हर 2 दिन में माल आता है, दाल चावल और तेल के 1 डब्बा या 2 डब्बा या 5 डब्बा ऐसा जो जितना चलाता है। मेरी तरफ से 4,500 पैकेट बनते हैं, वो लोग तक जाओ, उतना राशन के हिसाब से जो मांगनी है उसका भी आधा उन लोग देते, अगर जितनी लगती है 500 किलो लग रहा है तो वो 300 किलो देते। अगर कई संस्था है सानू भाई यहाँ पर मुमरा के अंदर, और उसके बाद जो है ये आम जनता में जो खबरें चल रही है, नगर सेवक और जो है जो समाज सेवक है वो आपके खिलाफ जो है फेसबुक पर ट्वीट करते हैं कि आपने जो है राशन चुरा कर लाया है, कई हजारों टन चुरा के लाए, कहाँ है वो राशन, कहाँ पे रखे हैं आप राशन? मैं एक बात आपको बता दूँ, ये कौन कर रहा है ये मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मेरे चाहने वाले, मेरी फिक्र रखने वाले यहाँ से थाना तक मौजूद है, जो मालूम वो, एक बात मैं आपको साफ बता देता हूँ, जो मुमरा का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो मुमरा से नफरत करता है, जो मुमरा को प्यार नहीं करता वो मुझे प्यार नहीं करता, और जो मुमरा को प्यार करता है वो मुझे प्यार करता है, उसका कारण क्या है? मैंने जो भी कुछ करूँगा मुमरा की भलाई की नहीं, अगर मुमरा की भलाई नहीं चाहते तो उनको
उनको एक ही तकलीफ है कि कहीं भी मुमरा का फायदा ना हो। चलिए आप ही बता दीजिए जो है कि आपने कितने टन राशन लाया है, आप ही बता दीजिए और क्या क्या है। मेरे हिसाब से अभी तक मैंने 4.5 से 5 टन माल, 4.5 टन चावल और 300-400 किलो दाल और एक 16-18 डब्बे तेल के 15 लीटर के हिसाब से तोला है। लेकिन एक दिन का 90 लीटर तेल, 80 लीटर तेल लगता है, इसमें से कई हज़ारों रुपए का राशन मुझे खुद खरीदना पड़ रहा है। और आपको बता दूं, आपने पूछा कहाँ राशन है, ये देखिए आपके पीछे रखा है। अच्छा ये राशन, ये राशन हाँ। मेरा है जाती, मेरी हलाल के पैसे का। मैंने 10 टन दाल लिया था कंपनी से वाइट पैसा देके, कई हजारों टन चावल तेल लिया हूँ वाइट पैसा देके, और उसके लिए मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचना पड़ी। ये मुझ पे फ़र्ज है अल्लाह का, मैं अपनी आवाम को ऐसा नहीं छोड़ सकता। अपनी जान भी लगा रहा हूँ और अपना माल भी लगा रहा हूँ, मेरे पे फ़र्ज है। कौन क्या कर रहा है, लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे आज मौका मिला है, इसके लिए मैं कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। और जब तक लॉकडाउन रहेगा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अगर प्रशासन की ही बात है तो मुझे ऐसा लगता है मैं 25,000 लोगों को फ्रूट दे रहा हूँ, किड फ्रूट किड बांटने वाला हूँ, और चालू है मेरा। अभी तक मेरा कई हज़ार लोगों को पहुँच गया है, तो क्या ये भी शासन दे रहा है। मेरी एम्बुलेंस चल रही है जिसका डीजल मैं उठाता हूँ, मेरी उसकी ड्राइवर वो भी गवर्नमेंट कर रही है, कलेक्टर के डिपार्टमेंट से खा रहा है, वो भी चोरी करके लाया हूँ। मेरा टैंकर चल रहा है 24 घंटा, वो भी मैंने चोरी करके लाया हूँ। मेरी 5 गाड़ी ड्राइवर के साथ लोगों को लाती छोड़ती, उसका डीजल बिल विद बिल सब करता हूँ, वो भी गवर्नमेंट की तरफ कर रहा है। ऐसा नहीं है, अगर इतना ही आसान होता ना तो लोग मुझ पे उंगलियाँ छोड़ के सब गवर्नमेंट से माल ला के अपनी अपनी जगहों पे बांटना चालू कर देते। अच्छा ये जो राशन आया है तो ये मतलब किचन के लिए राशन आया है या आप जो है किस तरह से राशन? किचन के लिए राशन आया है, और ये राशन आया है 1 महीने बाद लॉकडाउन के, आप समझिए मेरी बात, 1 महीने के लॉकडाउन के बाद ये राशन आया है। जो कम्युनिटी किचन गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने 15 दिन चलाया खुद, उससे पहले 15 दिन हम लोग ने, हमारी संस्थाओं ने, अलग अलग लोगों ने चलाया। उन्होंने वो जब तक थे यहाँ मुमरा कौसा में, वो जब टहल रहे थे लोगों के बीच, तब तक कम्युनिटी किचन चल रहा था, उसके बाद बंद हो गया है। उन्हीं के संस्था, उन्हीं के जरिए, उनके माध्यम चालू है। हाँ कई किचन उनको कई जगह पे बंद हो गए, 9 जगह पे चालू है, और उन्होंने ही सब करा के दिया। उन्होंने ही गवर्नमेंट से बात करी, उन्होंने शासन से बात किया, और उन्होंने बोला कि ये कम्युनिटी किचन को बढ़ाया जाए और शासन इसमें मदद करे। 1 महीने बाद शासन इसमें मदद करती है। किस संस्था के नाम पर आपने जो है लेकर आया? अलग अलग संस्थाओं के नाम पर लेकर, संघर्ष के नाम से है, मैं सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से है, अलग अलग सब जितने कम्युनिटी किचन है उनकी संस्थाओं के नाम से अलग अलग है। मैं जितनी पैकेट कर रहा हूँ उतने नाम का मुझे कलेक्टर के कलेक्टर डिपार्टमेंट से अधिकारी आते, एंट्री करते, पैकेट की चेक करते, उनकी साइन देखते, मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन करते, उसके बाद सेकेंड लॉट लेटर दे। एक साथ नहीं देते, आपको बता देता हूँ, एक साथ नहीं देते। अच्छा। एक साथ में सिर्फ 500 किलो चावल ही मिलेगा आपको, 1 से 2 दिन का, या 1,000 किलो मिलेगा, आप 2 दिन चला सको, 2 दिन चला सको माल, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। फिर एक को आपको 1 दिन बाद 2 दिन बाद मांगनी करना पड़ती है, वो भी 1 महीने बाद गवर्नमेंट की आँख खुली तो ये थोड़ी लोगों को, आवाम को राहत। मेरा मामला जो ऐसा है कि मैंने, आपने जो बताया ये वो मामला है, यहाँ से लेके कई, यानी ये जो चल रहे हैं, जो चर्चा में है, जो है आप जो है कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है आपके खिलाफ कि आपने चोरी का राशन लाया है 1 ट्रक जो है, और उसमें 10,000 टन ऐसा बता, हजारों टन बताया जा रहा है कि आपने राशन लाया है, ये किस तरह से मतलब अफवाह है आपके हिसाब से? अफवाह लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मेरी ट्रक की ट्रक आई थी, ट्रक की जो फोटो घूमी है ना सोशल मीडिया पे, मैंने 1,000 टन लाया हूँ, ये वही माल है, इसमें तो पूरा नहीं है। अरे 10,000 किट बांट दिया ना, बांट दिया, 10,000 किट बांट दिया। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ सीधी बात, जो लोग ये कर रहे, मैं जानता हूँ उनको भी, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं चाहता नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में बोलूँ, ऐसा ना हो जाए कि शानू पठान उनके बोलने लगा, मेरे ज़रा भी इच्छा नहीं। एक बात ध्यान रखिए फिरोज भाई, एक ये सब प्लान करते रहते,
इनका काम ही प्लान करना, आपके खिलाफ प्लान करते हैं। हाँ, ये अभी नहीं, ये आवाज सबको मेरे बारे में बोलते, प्रशासन को, कमिश्नर को बोलते, अरे ये सफाई कर्मचारी को भी बोलते, सानू सुबह उठता है इतने कर्मचारी क्यों ले गया, सानू सुबह 6 बजे उठता है इतने कर्मचारी क्यों ले गया, हमको नहीं मिला, ऐसे कुछ लोग है। लेकिन जो मुमरा को प्यार करता है वो मुझे प्यार करता है, क्योंकि उनको मालूम है शानू अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करने अच्छी मेरे को प्यार करने वाले भी नगर सेवक है, और वो मेरे को प्यार करते नहीं, बोले ये काम कर रहा है हमारे शहर का भला कर रहा है। जो मुमरा को प्यार करता है वो मुझे प्यार करता है, और जो मुमरा को प्यार नहीं करता वो मुझसे नफरत करता है। टांग खींचो, मुमरा का भला ना हो, मुमरा को सफाई ना हो, मुमरा के लिए कुछ आए ना, मुमरा की तरक्की की बात नहीं करे, जो भी मिलना चाहिए थाना में मिले, जो जहाँ मिलना चाहिए दीवा मिले, लेकिन मुमरा को ना मिले, मतलब हम करें नहीं और दूसरे को करने नहीं दी, ये कहावत ऐसी। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, एक प्लान तुम करते हो और एक प्लान मैं करता हूँ, मैं जब प्लान करता हूँ तो तुम्हारे प्लान धरे रह जाते। ये कई बार प्लान करते, ये मेरी फिक्र में बेचारे दुबले हो चुके, और ये दिन ना शानू करते रहते, ये प्लान करते, मैं उस हालात पर तैयारी करता हूँ, जब हालात आते तब उस पर लड़ता हूँ, मेरी स्टाइल ही वही है। मैं व्हाट्सअप का नेता नहीं, मैं फेसबुक का नेता नहीं, मैं ज़मीन पे आके काम करने वाला आदमी हूँ। फिरोज भाई, मेरी लड़ाई हमेशा ज़मीन पे होती है, कार्यकारी अध्यक्ष 14 साल पे बना था, उस वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र किया हूँ, तो आप सोचिए कि मैंने कितने लोगों को क्रॉस करते हुए आ गया, मैंने कितने लोगों को पीछे करते हुए इस मुकाम पर आया हूँ। ये अल्लाह ताला ने, ये मेरी मेहनत है, आज मैं जो ये मुकाम पर हूँ मेरी मेहनत है, आपको बता दूँ कि मैंने दिन रात मेहनत किया हूँ, तब अल्लाह ताला ने मेरे मुमरा वालों की दुआओं से, मेरे बुजुर्गों की, मेरे माँ बाप की दुआओं से, सभी की दुआओं से आज मैं ये मुकाम। सानू भाई, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से और भी नगर सेवक मेहनत कर रहे हैं, और भी समाज सेवक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि आपकी मेहनत के पीछे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र रावत कहाँ थे, शायद इसी वजह से आज आपको जो है जो ट्रक में आपने राशन लाया है शायद इसी वजह से आप लेकर आ पाए हैं, और किसी ने जो है उस पर ये नहीं किया है। देखिए ऐसा नहीं है, हर आदमी के पीछे अवार्ड सबका मार्गदर्शन में काम करे सभी लोग, और सब लोग अपने अपने स्तर पर काम करें, मैं उनको बोलता नहीं हूँ। कुछ लोगों को आदत है ऐसे करने की, मैं सोचता हूँ बहुत बार, लेकिन मैं बोलता हूँ ध्यान दो, अभी मैं बोलूँगा तो अच्छी बात नहीं रहेगी, नहीं तो मुझे भी मालूम है कौन ने कहाँ से क्या सब बातें, सारी चीज़ें मेरे को मालूम है, लेकिन मैं ये नहीं सर, मेरे पास वक्त ही नहीं। मैं एक ही बात जानता हूँ, मेरे पीछे लगोगे मेरी स्पीड डबल होगी, मेरे पास जब तक अल्लाह ने तंदुरुस्ती ताकत दी है ये जिस्म में, तब तक आवाम की खिदमत करने के रहूँगा। अगर मेरे में ताकत नहीं रही, मेरी स्पीड कम हो गई, मैं खुद राजनीति से संन्यास ले लूँगा। सानू भाई, जिस तरह से देखा गया है कि एनसीपी के कई ऐसे लोग जो है क्वारंटाइन हो गए, कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव भी आया, ठीक भी होकर आ गए, पर भी लोग जो है कह रहे हैं कि जो है आपको भी कोई बीमारी हुई है या जो है आपको कोरोना का कोई संदेह है, ऐसा लोग बता रहे हैं। देखिए ये मेरे शहर वालों की, मेरे अल्लाह के बाद मेरे बुजुर्गान दीन और मेरे शहर वालों की दुआ है, और अल्लाह मुझसे शायद काम लेना चाहता है, मैं अपने आप को काबिल नहीं समझता। आप बीमार नहीं हैं, दिख रहा है आपको मेरी, आप शहर में चर्चा है कि आप बीमार हैं। आप ये बात देखिए, आप मुझे हमेशा रोड पे देखोगे, व्हाट्सएप के बाद घबराने के बाद, व्हाट्सएप एडमिट होने के बाद मेरी वालदा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ मुझे बोलते कि क्यों ऐसा कर रहे हो, अपनी जान हथेली पर, लेकिन मुझे शौक है, मुझे जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 39 डिग्री टेम्परेचर है तो भी आप मेरे को रोड पर देखोगे, मैं हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई गली में, कोई नुक्कड़ में किसी को पेशेंट को पहुँचा रहूँगा, किसी के घर में किट पहुँचा रहूँगा, कहीं दूध पहुँचा रहूँगा, कहीं सैनिटाइजर दे रहूँगा, कहीं कॉम्प्लेक्स में उनकी ज़रूरतमंद पूरे को, मैं कहीं कमिश्नर साहब के यहाँ मिलने गया, कहीं कलेक्टर साहब के यहाँ मिलने गया, पुलिस स्टेशन में जाऊँगा, मेरा यही काम है, मैं लोगों की खिदमत करने के लिए पूरा दिन लगे रहता हूँ। आपके साथ के जो लोग थे वो क्वारंटाइन हो गए, वो लोग जो है नहीं दिख रहे सड़कों पर, और आप जो है खुलेआम घूम रहे, लोगों के बीच जा रहे हैं, मतलब आपको डर नहीं लगता? देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, एहतियाती करना और इलाज करना ज़रूरी है और सुन्नत है, मैं एहतियाती कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे अल्लाह ताला ने मुझे चुना है, और ऐसे कई लोग काम कर रहे हैं आज, कितने नौजवान काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कई एनजीओ, कितने नौजवान छुप के काम कर रहे हैं, तो क्या वो क्वारंटाइन हुए? नहीं, अल्लाह काम ले रहा है, और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे जैसे शायद अल्लाह ने मुझे कबूल किया है जो मुझसे काम इस वक्त में ले रहा है। मेरी इच्छा है अगर ये बात खुली है तो इसकी CID इंक्वायरी भी हो जाना चाहिए, ऐसी मांगनी करो जो लोग अगर ये कर रहे, मेरे पास वक्त ही नहीं, मैं उनके पीछे देखता ही नहीं, ठीक है,
आप अपने, मेरी स्पीड डबल, आज से आप देखेंगे मेरी स्पीड और बढ़ जाएगी, मेरी स्पीड हमेशा डबल हो जाती है सानू भाई। लेकिन एक बात मुझे बताइए जो है कि जो आप बता रहे हैं कि जो है अनाज यहाँ है वहाँ है, कहाँ कहाँ है आपका अनाज, कहाँ रखा हुआ है, ट्रक से उतरा जो राशन वो कहाँ कहाँ पर है, किस तरह से आपने लोगों को बांटा है, बांटने वाले हैं, बांट रहे हैं? देखिए मैं ये बताने वाला नहीं था। नहीं नहीं, मुझे दिखाइए आप कहाँ पे आपका राशन है, ये तो दिख रहा है लेकिन और कहाँ कहाँ है? मैं ये सारी चीज़ें दिखाने वाला नहीं था फिरोज भाई, लेकिन अभी जब बात खुली गई तो आज आपको दिखाई दूंगा कि यहाँ से लेके ये लोग भी देखना चाहते हैं कहाँ है आपका राशन। ये वो अनाज है जो मेरा है और कम्युनिटी किचन का अनाज भी दिखाता हूँ, मैं कहाँ से बांट रहा हूँ, कहाँ तक दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ वो भी दिखाता हूँ। और आपको ये भी बता देता हूँ कि 10,000 अनाज किट के साथ 25,000 फ्रूट किट भी मुमरा कौसा के हर ज़रूरतमंद को दे रहा हूँ और सभी धर्म के लोगों को, खास तौर से सभी धर्म के लोगों को देना दे रहा हूँ कि रमज़ान चीन पहचान के तो नहीं दे रहे ना आप, सभी धर्म के मुसलमान के साथ नॉन मुस्लिमों को भी कि इस मुबारक महीने में लोगों को ये मालूम हो सके कि हाँ ऐसे भी लोग हैं कि हर घर का दरवाज़ा ठोक के भी देते। क्लास में एग्ज़ाम तो सब बच्चे देते लेकिन फर्स्ट कोई एक ही आता है, ये जवाब वो फर्स्ट आप हैं। लेकिन राशन कहाँ कहाँ पे वो मुझे दिखाने चलिए आप। चलिए आप, मैं आपको इसके बाद सारा मेरा कहाँ से कम्युनिकेशन चलता है, कहाँ से मैं किट बना के देता हूँ और कहाँ से मैं फ्रूट लोगों को फ्रूट किट बना के दे रहा हूँ, ये सारी व्यवस्था आज दिखा दो कम्युनिकेशन का। और ये देखो वो सामने तेल के डब्बे, और उसमें भी जो तेल के डब्बे है वो आधे मेरे खरीदे हुए, लोग कुछ भी बोले उसमें भी ये वो देखिए वो सोयाबीन है, सोयाबीन पुलाव वो गवर्नमेंट ने नहीं दिए, एक दिन अंडा पुलाव हो जाता है, कभी चिकन कभी सोयाबीन, वो गवर्नमेंट नहीं देती, वो हम हमारा खाते। वो देखिए प्याज, वो मैंने नासिक से मंगाया, वो गवर्नमेंट ने नहीं दिए। वो देखिए ये कड़िंगड़ और ये जितने फ्रूट है, ये कहीं 1,000 टन आया, आज ख़त्म होना है, कल वापस एक ट्रक आएगा, वो ट्रक गवर्नमेंट ने नहीं, वो चुराए के नहीं ले, वो मेरे हलाल की पैसे की है। आओ तुमको दिखाता हूँ, ये रहमानिया मस्जिद है, ये है, मैं बताना नहीं चाहता था, ये रहमानिया मस्जिद है, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ ना उस दिन के बाद से ये दूसरे दिन से ये मस्जिद बंद है, ये पूरी मस्जिद राशन की किट से अल्हम्दुलिल्लाह है, और जिसको यहीं मैं पैकिंग करवाता हूँ, एक यहाँ और एक डायमंड के पहले वाले हॉल पे, जब आपको पूरी म्यूनसिपैलिटी के सामने लेके गया था याद है ना आपको, पूरी म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट मौजूद थी जब मेरा सब किट बढ़ रही थी। और ये आज बात खुली है तो बोल देता हूँ, नहीं तो मैं बोलना नहीं चाहता था, ये गवर्नमेंट का चावल नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह नंबर वन का कॉलम और बासमती राइस खिला दे रहा हूँ लोगों को, जो मैं खुद खाता हूँ ना, जो मैं खुद खाता हूँ फिरोज भाई वो राइस दे रहा हूँ, जो मैं खुद दाल ले खाता हूँ वो दाल है, और तेल भी जो मैं खुद यूज करता हूँ वो तेल है, गवर्नमेंट का नहीं है। जिन लोगों की बात करते ना उनको इधर दिखा भी दे रहा, अगर जरूरत पड़े तो कई लाखों रुपए का एपीएमसी मार्केट का बिल है, जरूरत आपको लगे तो बता देना, वो भी बोलूंगा आपके जरिए उनको दिखा देना, और ऐसा ना हो जाए वो लाखों रुपए का बिल देके बेहोश ना हो जाए। तो जिस तरह से लोगों का आरोप लग रहा था नगर सेवक सानू पठान जो है वो हजारों टन जो है राशन गरीबों का उन्होंने चुरा कर लाया है, तो खास इसी मामले को लेकर मैं जो है आज सानू पठान से बात कर रहा था कि आखिर में उन्होंने राशन क्यों चुराया, क्यों लेकर आया गरीब मजदूरों का राशन, और जबकि इन्हीं के लाइन में और भी लोग लगे हुए थे और भी नगर सेवक लगे हुए थे। मैं यहाँ पहुँचने से पहले कई लोगों का मुझे फ़ोन भी आया कि नगर सेवक सानू पठान के पास जो है 1,000 टन जो है राशन उन्होंने जो है लेकर आया है, कई लोगों का जो है राशन उन्होंने अकेले खुद लेकर आया है। तो इसी मामले को लेकर आज हम क्लियर कर रहे थे जिस तरह से इनके ऊपर आरोप लग रहे थे। बहरहाल नगर सेवक सानू पठान का कहना है कि इस पर सीआईडी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि मैंने चुरा कर लाया है या वहां से किस तरह से लाया है, जबकि ये भी कह रहे हैं कि एक पेन भी लाएंगे अगर गवर्नमेंट से तो वो भी लिखित में आती है। तो इन्होंने जो बताया कि वो जो राशन है वो कम्युनिटी किचन के लिए वो राशन है, और वो जो है जो सड़कों पर आप जो है देखे होंगे
पोस्टर लगा रहता था जो है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, खास करके उसी के लिए वो राशन आया है। जो किचन जो है यहाँ पर चल रहे हैं, कई सारे किचन है, उसके लिए राशन आया है। बहरहाल कई लोगों का ये भी कहना था कि नगर सेवक शानू पठान जो है बीमार चल रहे हैं, हमने उस पर भी बात की, उन्होंने अपनी जवाब दी है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।